बाजा बनवाले, बाजा कसवाले, जर्मन बाजा, फीमेल बाजा, खर्च बाजा, बाजा ले लो अरे बाजे वाले। अरे बहन जी, राम 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 भैया। अच्छा बाजा चाहिए तुम्हें? अरे हाँ, जब तो पूछने आई हूँ मैं। हाँ तो बताओ कौन सा बाजा चाहिए, जर्मन बाजा चाहिए या फिर रहेगा खर्च चाहिए रियाज करने के लिए, या फीमेल बाजा चाहिए गाने के लिए, या कब्बाली वाला बाजा चाहिए, बताओ। भैया खर्च वाला बाजा कौन सा होता है? खर्च ये है जो मैं बजा रहा हूँ बहन जी। अच्छा, फीमेल वाला? फीमेल वाला एक और बाजा आता है, वो बन के आता है। वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये खर्च वाला बाजा है। और कौन सा? और एक जर्मन बाजा होता है, उसमें क्या है? वो मतलब ये जो पैनी आवाज है वो जर्मन आवाज में बिल्कुल मीठी आवाज होती है। अच्छा, तो बजा के दिखाओगे ना उसमें? किसमें? वो बाजा नहीं है बहन जी मेरे पास, वो तो मैं बनवा के देता हूँ। मेरे पास एक ही बाजा है। अच्छा, एक बाजा एक ही है, यही है, यही बाजा है। तो भैया अभी इसे कोई खरीदना चाहे फिर दूसरा बाजा तुम कैसे लोगे? अरे तो बहन जी मैं इसे दूंगा ही नहीं। क्यों? क्यों? अरे बेच रहे हो बाजा तो क्यों नहीं दोगे? अबे तो आवाज भी तो बहन जी मैं इसी से लगा रहा हूँ, फिर आवाज कैसे लगाऊंगा? तो फिर तुम्हें दो बाजा रखनी चाहिए ना। नहीं तो आप मुझे ऑर्डर दे दो, मुझे एडवांस दे दो, मैं तुम्हें बाजा दे जाऊंगा। अच्छा, और क्या? तो नहीं जरा गाना इसमें ये तो दिखा दो, गाना बजता है कि नहीं? क्यों नहीं बजेगा भाई? देखो ये बहन जी अभी मैं बजा नहीं पा रहा हूँ थोड़ी किसी कमी की वजह से, लेकिन तुम्हें पूरी चीज बजा के दिखा दूंगा इसमें। तो अभी क्यों नहीं बजा पा रहे हो? नहीं बजा पा रहा हूँ। आपको आपको लेना है नहीं लेना है बताओ? लेना है। अच्छा, दाम तो बता दो। ये 2500 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, और जो जर्मन बाजा बजाया है वो पड़ेगा तुम्हें 7000 रुपए का। 7000 रुपए का? अरे बाजे महंगे आते हैं बहन जी, बातों से ही बाजे नहीं आ रहे। कितने का है क्या ये? 2500 रुपए का, ये तो खर्च है, ये कोई बजाने का मतलब थोड़ी नहीं है, रियाज करने का मतलब का ये। अच्छा, तो वो बाजा तो मुझे चाहिए फिर। कौन सा चाहिए बताओ? जो जर्मन वाला बता रहे हो, जर्मन वाला बाजा चाहिए, 7000 रुपए का पड़ेगा। सोच लो, समझ लो एक बार। भैया सही पैसे लगा लो। 7000 लूंगा, 7000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा, उसमें मच्छर की खाल लगी हुई है। भैया थोड़े बहुत तो कम होते हैं। मच्छर की खाल लगी हुई है, जैसे इसमें ये खाल लगी हुई है तो खाने का फट्टे की लगी हुई है, मच्छर की। हाँ भैया, तुम अपनी खाल नहीं लगा सकते हो उसमें? बहन जी क्या बात है, मच्छर की तो हाल बेकार हो जाती मुझे है। मुझे आजकल दो एक और मिली थी, वो भी ऐसी कह रही थी कि आदमी की खाल। क्या बात है, मैं पूरा कटकटा के उसमें खाल लगवा दूं मैं। हाँ, खाल आदमी की लगती है तो वो बढ़िया रहता है, मच्छर की तो बेकार हो जाती ना, है। ना ना भैया, मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे अपने शरीर से प्यार है। देखो ये मुझे खाल थोड़ी नहीं कटवानी है। फिर बाजा क्यों बेच रहे हो? मच्छर की खाल का बाजा बेचा जाता है कोई है? अरे बहन जी सॉरी, सॉरी गलती हो गई मुझसे, सॉरी सॉरी बार बार सॉरी मांग। 7000 रुपए भी बता रहे हो, वो भी मच्छर की खाल का? अरे नहीं, नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसे पुख्ता फट्टे का बाजा मिलेगा तुम्हें। और बताओ, देखो गैस बनेगी इसमें और बाजा बजेगा, बाजा बजेगा, बाजा बोलेगा देखो। हाँ जी, तो हमें ना बाजा चाहिए। ठीक है, एडवांस? एडवांस दे दो मुझे। कितने दे दो? वही 500 रुपए तो दे दो कम से कम, इतने से क्या कम दोगी? अच्छा 500 रुपए। तो बाजा कब तक आ जाएगा मेरा? बाजा तुम्हारा परसों तक आ जाएगा पक्का। परसों तक मैं बाजा दे जाऊंगा। ऐसा ना हो कि पैसे लेके चले जाए दोबारा आए ना। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग बार आते हैं ना, मेरे संग हो गया है, पैसे लेके चले जाते हैं, आते नहीं है दोबारा। अरे बहन जी कैसी बात कर दी तुम, कपड़ा पहचान लो, मूंछ पहचान लो, शकल पहचान लो। चलो तो ठीक, परसों तक बाजा आ जाएगा तुम्हारा, बस इतनी बात है। 500 रुपए गिन के दे दो बस मुझे। ये लो भैया, 500 रुपए हैं ये पूरे। 500 रुपए? हाँ। अच्छा, ये 500। ठीक है ठीक है ठीक है बहन जी। और बाजा अच्छा होना चाहिए, बाजा बढ़िया ना, तुम्हारी चांद पे उठा के मार दूंगी मैं। अरे बहन जी ऐसा काम करो, कहीं मैं मर मरा गया तो ऐसे कैसे मर जाओगे? अरे क्यों नहीं, पैसे आ रहे हैं मेरे 7000 रुपए। टेंशन मत लो, मैं बाजा पुख्ता ला के दूंगा, बढ़िया ला के दूंगा। ठीक है, बाजे कसवा लो, बाजे बनवा लो। क्या करूं, एक महीना हो गया। अरे सोनिया, अरे कैसे जा रही है, मुंह लटकाए? अरे यार एक महीना हो गया, मेरे 200 रुपए लेके चला गया, मेरी ढोलक नहीं देके गया। ढोलक? मेरा भी एक महीना हो गया, मैंने बाजा वाले से बात करी, बाजा लेने के 7000 रुपए बताए थे, अब मेरे 500 रुपए एडवांस दे दिए, अभी तक नहीं आया। अच्छा, अब बता मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं कहाँ ढूंढूँ उसको। क्या सोच में पड़ गई? अरे मैं ये सोच में पड़ गई, तेरे साथ ही वही हुआ, मेरे साथ ही वही हुआ, तो अब कैसे मिलेगा वो? एक काम करते हैं,
ऐसी बात तो है नहीं है, क्योंकि वो बाजा वाला तो मेरे गली में आएगा नहीं ना मोहल्ले में, और ढोलक वाला तेरे मोहल्ले में नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर वो बाजा वाला तेरे मोहल्ले में आए तो तू पकड़वा देना मुझे, तेरा ढोलक वाले मेरे मोहल्ले में आएगा तो मैं तुझे पकड़वा दूंगी। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो चल फिर। है ठीक है, तू एक काम कर, तेरे मोहल्ले में आए तो तू मेरे पास ले आई, मेरे मोहल्ले में आए तो मैं मेरे पास, एक दूसरे के पास ही लाएंगे। हाँ तेरे पास ले आऊंगी। चल चल ठीक है। ढोलक पर वाले, ढोलक पे नहीं खाई चढ़ वाले, ढोलक पे मसाला लगवा ले। अरे भैया आ गए? आ गए बहन जी। अरे चलो, वो ना तुमसे ना ढोलक लेनी थी, पैसे देने थे एडवांस। हाँ तो चलो बहन, पूछ रही है लेगी और पूछ पूछ। आओ ढोलक मड़वाले, ढोलक मड़वाले, ढोलक पे नहीं खाई चढ़ वाले, ढोलक पे मसाला लगवा ले। अरे ढोलक वाले भैया क्या हुआ? ढोलक मुझे चाहिए तो मुझे ये दाम तो बता दो, मेरे पास एक भी ढोलक नहीं है, गीतों में मुझे जरूरत पड़ती रहती है। बतासे की पड़ती होगी कि बतासे मिल जाए चुकने को? अरे ऐसा कुछ नहीं है कि बतासे मिल जाए, बतासे का देखे नहीं है मैंने कभी। नहीं तो बतासे के लिए ही जाती है औरत, उसमें नियो करके कर लेती है जो दुकान तुरंत घर आ जाती है। कोई अमृत है बतासे में जो नियो करके लेके चाय बनाने के तो काम आई जाती है। तो हमारे घर में चीनी चाय पत्ती नहीं है। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ ढोलक कैसी चाहिए तुम्हें? ढोलक मुझे ऐसी चाहिए जो बजाने में चंटी अलग जाए और थापा अलग जाए। अलग चला जाएगा तो फिर अलग अलग दूर ढूंढने पड़ेंगे, मतलब एक ही ढोलक में हो दोनों चीज। हाँ। तो ऐसे बोलो ना हिंदी तो, में अरे बजाने मतलब हाथ चले ना, तो सुनो मेरी बात, चले बकरे की खाल की पड़ेगी 3500 की। अच्छा। और मगरमच्छ की खाल की पड़ेगी 5200 की। अच्छा। और भैंस की खाल पड़ेगी 3200 की। बकरे की खाल की बताओ हमें 3500 की, 3500। अच्छा जी, चलो तो ठीक है। क्या ठीक है? लाओ पैसे दो। ऐसा है ढोलक क्या मेरे पास है अभी कोई? तो ढोलक के आपको एडवांस देने पड़ेंगे 500 रुपए। एडवांस 2 दिन बाद ढोलक मिलेगी आपको। चलो तो ठीक है, देती हूँ। चलो चल। आजा। ए ढोलक मड़वाले, भैया एक काम करो। जी बहन जी। अभी पैसे मेरे घर पे नहीं है, पड़ोसन पे है मेरे पैसे। हाँ। तो मैं उनसे लाके अभी दे रही हूँ तुम्हें। मैं बैठ जाऊंगा? हाँ बैठ जाओ, लेकिन जल्दी आना। अरे हाँ बिल्कुल, जल्दी आना बहन जी। भैया ऐसे कैसे बैठती हो? बहन जी मुझ पे बैठना ऐसे ही आता। चलो ठीक है, कोई जल्दी आया। अरे सोनिया, अरे सोनिया बहन। अरे हाँ बोल रागनी, क्या बात है? अरे सोनिया तेरा शिकार आ गया है। सच्ची सच्ची? वो मैंने अपने घर बैठा रखा है, तेरा ढोलक आ रहा है। तेरी 100 साल की उम्र हो भगवान, जुग जुग जिए। अब चल चल मेरे पैसे दिलवा दे, चल मुझे ढोलक दे ना। दी एक बार में जिमी पड़ोसन है, इससे पैसे नहीं आएगी। क्या है, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या टट्टी निकल गई क्या? नहीं नहीं। तो क्यों रे? हां जी तू उस दिन पैसे ठक के ले गया मुझसे। ना ना मैं तो आ रहा था तुम्हारे पास ही आ रहा था अभी। हां और उस दिन से अपनी एक भी बार शक्ल नहीं दिखाई। मैं ढोलक लेके आया हूं आपके। ढोलक लेके आया है तू? हां हरामखोर, मैं आराम ढोलक लेके आया है। बिखर जाएगी मेरी बात। वैसे कौन सी इज्जत है? मेरे वैसे कौन सी दोनों? मेरे पैसे निकाल पहले। ₹200 नहीं जा रहा है ऐसे। ₹200 ले लो। नहीं ऐसे। मैं बहन जी ऐसा मत करो। नहीं निकलना। बहन जी बहुत बर्बाद हो जाओ। 10,000 रुपए। ठीक है मैं गांव से बाहर करके आती हूँ। बहन जी। अरे बाजा बनवा ले। अरे बस बस। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखा होगा बहन जी, हम तो गली गली चौवारे चौवारे घूमते हैं। और क्या? गली गली चौवारे चौवारे कहाँ देखा तुमने पहले बताओ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे कुछ रेट लिए थे बाजे बाजे के।
अरे मुझे देखा होगा तुमने, मैं गली गली चौवारे चौवारे जाता आता रहता हूँ जी। अच्छा भैया मुझे बाजा लेना है। बिल्कुल लो। कितने का बाजा? बाजा ये वाला 2500 का है, 7000 के, 8000 के, 10000 के, 9000 के। अच्छा अच्छा, तो मुझे 2500 वाला ही चाहिए। खर्च सही लगा लोगे इसे? सही क्या लगाएंगे, 2500 का ही पड़ेगा और महंगा दो। महंगा दूंगा मैं। तुम महंगा दोगे? और क्या, ठीक है मुझे महंगा लेने के लिए तैयार हूँ, तुम आओ मेरे साथ। आओ बढ़िया जी, तैयार हो गई भैया। चलो भैया। बहन जी बड़ी तैयार हो गई तुम? हाँ यहाँ बैठो, मैं जरा पैसे लेके आती हूँ। लेके आओ लेके आओ, मैं रियाज कर रहा हूँ। मेरे ना एक पड़ोसन पे पैसे हैं। अच्छा पड़ोसन पे पैसे? हाँ रागनी, अरे जल्दी आ निकल के। अरे हाँ सोनिया क्या हुआ? अरे तुझे बाजा वाला आया जिसपे तेरे पैसे फंसे हुए थे। अच्छा? आज वो मैंने अपने घर पे बैठा रखा है। तू रुक, मैं डंडा लेके आती हूँ। लेके आ जल्दी। अच्छी तरीके से मरम्मत कर ली। आ गई बहन जी। और वो नहीं आई तो बोल। आ गई। 500 रुपए कहाँ है मेरे? इधर बता। इधर 500 रुपए? 500 रुपए एक महीना से इंतजार कर रही हूँ मैं, यानी पब्लिक को चूतिया समझ रखा है। अरे नहीं मैम, मैं नहीं, ऐसी कमाई है। अरे मैं तुम्हें देने आ रहा था बाजा। अरे बाहर गाड़ी खड़ी है, बाहर गाड़ी खड़ी है ना। और पहला तो बाजा निकलवा ले। अरे नहीं भाई, मेरी रोजी रोटी है। अरे इसे क्यों छीननी है तुम? निकाल जा बाजे। अरे भागीबान मेरा बाजा दे। लाई धर दे मुझे बाजा दे। अरे बाजा दे। अरे छोड़। अरे मेरा बाजा दे। छोड़। अब बजा इसमें डंडा। ये बजा इसमें। सोनी तू पलंग से मार तो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कमाई रह गई है।